ये कौन औरत है जिसने बिना कर दिए यहाँ आकर के चित्ता चिन्नी। तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ जब तक कर नहीं दिया जाता तब तक कोई मुर्दा नहीं चल सकता। आप कौन है? मैं नहीं जानती, नहीं मुझे जानती। नहीं पता था कि तुम्हारी शमशान भूमि के कुछ नियम, अच्छा कुछ कानून कायदे भी होते हैं। अब तो पता चल गई। हाँ, बिना कर दिए यहाँ मुर्दा नहीं जल सकता। पहले हमें 100 रुपए का कर चाहिए, तब तुम्हारा मुर्दा जलेगा यहाँ पर। आप बार बार पूछते हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, आप मुझे भली भांति जानते हो लेकिन शायद पहचान नहीं पा रहे हो। हाँ। अगर आपने मुझे नहीं पहचाना तो देखिए, अपनी आंखों से गौर से देखिए, मैं कोई गैर नहीं बल्कि आपकी अपनी पत्नी तारा हूँ महाराज। हमारी कोई पत्नी तारा नहीं है, हमारा इस संसार में कोई नाता रिश्ता कोई कुछ भी नहीं है। हम केवल अपने मालिक की नौकरी करते हैं। और ये मरने वाला भी कोई गैर नहीं है महाराज, आपका इकलौता पुत्र रोहतास है से महाराज, कुछ तो रहम खाइए। बोल गई तारा, जब मैं वर्णा नदी पर खड़ा था तूने सारे रिश्ते नाते उसी टाइम तोड़ दिए थे कि हमारा धर्म और मजहब सब कुछ अलग है। आज तुम्हें पति याद आने लगा, आज तुम मुझे पुत्र का वास्ता देने लगी, आज तुम मुझे आंसुओं का वास्ता देने लगी, आज रिश्ते नाते निकालने लगी। उठाओ दास को और बाहर निकल जाओ यहाँ से। इतने पत्थर दिल, इतना पत्थर दिल आप कैसे बन सकते हो? अरे ऐसे समय पे तो कोई दुश्मन का भी दिल भी पिघल जाता है, फिर आप तो इसके पिता हो महाराज, इतना जुलम मत कीजिए। हम किसी के पिता नहीं है तारा। आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैंने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कफन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है। हम जानते हैं। फिर मैं आपको 100 रुपये और कफन कहाँ से लाके दोबारा? ऐसा मेरे मालिक का हुक्म है तारा, मैं अपने मालिक का हुक्म नहीं गिरा सकता। जिस प्रकार से तुम अपने धर्म को नहीं गिरा सकती, आज मैं भी अपने धर्म से वंचित नहीं हो सकता तारा। मुझे भी कर चाहिए, उसके बाद तुम अपने पुत्र की आंगाज जला सकती हो। नहीं महाराज नहीं। अरे हम तो जोर क्यों जमावे पिया, हमारी कोई रानी नहीं है, सुनिए हमारी बात। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे नजर में भंगी हूँ, वे नारा जाना रहा हरी कंधे तेरी नजर में भंगी हूँ। आज वक्त पड़े मैं कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। राजू का दीना खड़ा उठाऊँ, मिसरानी सतसंगी हूँ। राजू का दीना खड़ा उठाऊँ, मिसरानी सतसंगी हूँ। रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ।
रिश्ते नातों को वास्ता देती है। अरे उस दिन रिश्ते नाते कहाँ गए थे जब हमने बार बार प्रार्थना करी थी कि तारा हमारे घड़े को हमारे सर तक पहुंचवा दो, इस मुसीबत की घड़ी में आप तो हमारे साथ फिरो की गुनेगार थी। वो रिश्ते नाते कहाँ चले गए? आज तुझे सारे रिश्ते नाते नजर आ रहे हैं तारा। आज यहाँ पे आते वक्त हाँ मैं सोच रही थी, उस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस दुख के समय में अगर मेरे पति मुझे मिल जाए तो मेरा दर्द मेरा दुख बांटेंगे। यही बात तो मैंने सोची थी तारा उस दिन। लेकिन उस भगवान ने मुझे आपसे मिलाया भी हाँ। तो ये कैसे मोड़ पर लाके मिलाया? जो समय मेरा दुख बांटने का है आप मेरा दुख बांटने की वजह मेरा दुख और बढ़ा रहे हो। हाँ हे महाराज कुछ तो रहम कीजिए। हम रहम करने वाले कौन है तारा? हम तो अपने मालिक का हुक्म बजा रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तारा। इन आंसुओं से वास्ता बार बार हमारे दिल को पिघला सकते हैं, क्योंकि हम तो इतने मजबूर हैं कि हम तो रो भी नहीं सकते, क्योंकि जिस लिए हमें हमारे मालिक ने जो हुक्म दिया है वो सर आंखों पर है। आप कहिए आपको क्या कहना है तारा? किसी ने कहा है हाँ कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। मानते हैं तारा ये संयोग है ईश्वर का, किसी के 100 पुत्र है उनको भी जाना पड़ेगा, किसी का 1 पुत्र है उसको भी जाना पड़ेगा, ये सच्चाई है। अब रोने से कुछ कोई फायदा नहीं है, ना रिश्ते नाते निकालने से कोई फायदा नहीं है। हमें 100 रुपए दीजिए, हमें अपनी नौकरी करने दीजिए, आप अपना काम करिए। क्या कहना चाहती हो? न्यू सोचे पिया दुख बांटेगा, न्यू सोचे पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास करे। 100 रुपए का फन दे देना फूकड़ दूंगा लातन है। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। घाट पे बार बार सोचते होंगी कि ये मेरा पति देव है, ये मेरी या आंसुओं से या रिश्तों से पिघल जाएगा। नहीं तारा, हम नौकरी कर रहे हैं क्योंकि हम भी अपने सर पर है। सूर्य अपनी तपन को छोड़ दे, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, समुद्र अपनी गहराई छोड़ दे। अरे मर तो सकता है तत्ववादी राजा हरिचंद, लेकिन अपने सत्य धर्म से बिल्कुल नहीं हटेगा, रानी बिल्कुल नहीं हटेगा। आपको कर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप नहीं जानते महाराज, क्या आप नहीं जानते कि एक माँ की ममता क्या होती है? हाँ एक माँ का प्यार क्या होता है? हम सब जानते हैं, हम पिता की ममता भी जानते हैं, माँ की ममता भी जानते हैं। जब एक औरत पहली बार माँ बनती है हाँ
और एक बेटे को जन्म देती है तो वो इस दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ होती है। लेकिन जिस माँ की आंखों के सामने उसका एक लोता लाल मर जाए, इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ होती है। प्रिया जी मानते हैं, आज मेरा इकलौता लाल मुझे छोड़कर चला गया, आपको छोड़कर चला गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरी गोदी सोनी हो गई प्रिया जी, मैं तो बांझ की बांझ रह गई। मानते हैं, फिर भी आप ऐसे हालात में 100 रुपया और कफन मांग रहे हो, जबकि आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि मुझ दुखिया मुजदूर भागन के पास में देने के लिए एक फोटी कूड़ी नहीं है, तो फिर मैं आपको 100 रुपया अगर तुम्हारे पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, उठा सकती हो इस लिहाज को और बाहर निकल जाओ, तुम भी जला सकती हो। ये मेरे मालिक का हुक्म है, पहले मुझे 100 रुपया कर चाहिए, तब तुम्हारे पुत्र का यहाँ दाह संस्कार हो सकता है। कुछ और कहना है, कह सकती हो? कहना है हाँ, ये पुत्र तो मेरा चला ही गया, लेकिन अब मैं भी नहीं जीना चाहती। हे परमात्मा, क्यों दिखाता है ये दुख, बस रहम कर परमात्मा। क्यों दिखाता है ये दुख, बस रहम कर परमात्मा। हो सके तो कर दे मेरी इस जिंदगी का खात्मा, इस जिंदगी का खात्मा। ये तो समय का चक्र है तारा, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। जेजीबी पार्टी से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है भाई सागवीर वीर जी, वो भी फिर से 500 रुपए से हमारी टीम के लिए आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सजनों, 100 रुपए के बदले में अपना चीर दे रही है, लेकिन तारा चारा ने तो फिर भी बख्शीश है, ये तो 1 रुपए का चीर है तुम्हारा, चार आने आपके बाकी है। हाँ हे महाराज, हाँ कफन के बदले मेरे सर का ये फटा हुआ चीर ले जाइए। ले जाऊंगा। और जो मेरे पति की आखिरी निशानी थी, मेरे पति की जो आखिरी निशानी थी, मेरे गले की ये कंठी,
इस कंठी को चार आने में ले जाइए महाराज। सदनों अपने धर्म और मजहब को बचाता हुआ सत्यवादी राजा हरिचंद अपने सत पर चल रहा है। 100 रुपए के पत्र में अपनी पत्नी तारा का चीर ले लेता है, गड़े की कंठी ले लेता है और चल देता। सदनों अंतिम बात में कई महोदय ने क्या निचोड़ कर दिया, क्या बता दिखा दिया। उसी ढाला रही है तू, एक ढाला रखे परमेश्वर, उसी ढाला रही है तू। तेरा भी हक है बेटे में, इब तो दाग लगाई है तू। मत गुरु धाम जय करने हर पल ती झुकाई है तू। शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा।